फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 बेस्ट बेबी क्रीम। सो फ्रेंड, अगर आपकी बेबी की स्किन बहुत ड्राई रहती है या एक्सिमा की प्रॉब्लम रहती है या सेंसिटिव स्किन है बेबी की या डलनेस हो गई है बेबी को, तो आप बेबी के स्किन के अकॉर्डिंग बेबी क्रीम को चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अगर बेबी को ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है तो आप जॉनसन बेबी क्रीम यूज कर सकती हैं। ये 100 ग्राम की ट्यूब है और इसे आप फेस और बॉडी दोनों पर अप्लाई कर सकती हैं। देखते हैं कि ये क्रीम जो है वो क्लेम क्या क्या करता है। तो जेंटली मॉइस्चराइज डेलिकेट स्किन, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, पीएच बैलेंस्ड एंड हाइपोएलर्जेनिक, नो एडेड पैराबेंस, फैलेट्स वगैरह कोई इसमें केमिकल नहीं दिया हुआ है और डाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। और इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 150 रुपीज, मतलब 150 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 3 इयर्स है। तो चलिए दिखा देती हूँ इस क्रीम को भी मैं आपको। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये जो क्रीम है ये थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक ठाक ही है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं आपको ब्लेंड भी करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसको मैं अपने हाथों पर अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से ये काम करता है। बहुत ही सॉफ्ट क्रीम है और आप इसे बेबी के फेस पर और पूरे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा सूदिंग फ्रेग्रेंस है, कोई भी इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस नहीं है इस क्रीम की, और बहुत सॉफ्ट क्रीम है, बिल्कुल सॉफ्ट सा फील हो रहा है। तो कुछ देर के लिए आपको इस क्रीम को अच्छे से ब्लेंड करना होगा ताकि जो है वो क्रीम अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। सो फ्रेंड, इस क्रीम को ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कि ये क्रीम जो है वो अच्छे से हाइड्रेट रखता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट स्किन यहाँ पर मेरा हो गया है इसे अप्लाई करने के बाद, और बिल्कुल सॉफ्ट सा स्किन फील हो रहा है और कोई भी चिपचिप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये ट्यूब जो है वो 100 ग्राम की है, बट इसे छोटी भी मिलती है, आप चाहे तो आप 50 ग्राम की ट्यूब भी ले सकते हो। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्रीम की। तो फ्रेंड्स, ये है मामाअर्थ मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबी। तो आप इस क्रीम को 5 साल तक के बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रीम 0 to 5 years के लिए बना होता है। इस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है मिल्क प्रोटीन और मुरमुरे बटर। अगर बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुरमुरे बटर दिया हुआ है जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एक्जिमा को भी ट्रीट करने का काम करता है, स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। साथ ही ये 60 ग्राम की ट्यूब है, वैसे भी ये खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत ही इसमें बची हुई है, और इसमें कोई भी पैराबेंस नहीं है, कोई भी सिलिकॉन्स नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो इसमें सिया बटर दिया हुआ है, मुरमुरे बटर दिया हुआ है, कैलेंडुला ऑयल दिया हुआ है, मिल्क प्रोटीन दिया हुआ है, और भी बहुत कुछ है इसमें जो स्किन को ब्राइट ग्लोइंग के साथ साथ फेयर भी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा ही क्रीम इसमें बचा हुआ है, और इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये व्हाइट कलर की क्रीम है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जॉनसन बेबी की तुलना में थोड़ी सी थिक है, और आप देख सकते हो आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा सूदिंग है क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। तो कोई भी बेबी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले आप बेबी का पैच टेस्ट जरूर कर ले, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बच्चे को सूट नहीं करते और बच्चे को एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो उससे अच्छा कि आप बेबी का पैच टेस्ट कर ले। बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हल्का सा फ्रेग्रेंस है, इसमें कोई भी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, और आप देख सकते हो कि क्रीम अप्लाई करने के बाद जो मेरी स्किन है वो कितनी ब्राइट हो गई है। तो हमारी नेक्स्ट क्रीम है द मॉम्स को नेचुरल बेबी क्रीम। इसे आप ओनली फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसे आप केवल बच्चों के फेस पर ही अप्लाई करें, ये बॉडी पर अप्लाई करने वाला क्रीम नहीं है। तो अगर बेबी को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या बेबी को डल स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप इस क्रीम को बेबी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे 3 साल तक के बच्चों पर ही अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये भी बात इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि इसे 3 साल तक के बच्चों पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें ग्लिसरीन के साथ साथ सिया बटर भी है, एलोवेरा है, एप्रिकॉट है, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोको बटर, मिल्क प्रोटीन, राइस ब्रैन ऑयल, एवोकेडो ऑयल, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में दिए हुए हैं। चूंकि एक नेचुरल बेबी क्रीम है इसलिए ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स की ये जो क्रीम है ये कुछ इस तरह की है, और चूंकि ये कोकोनट बेस्ड क्रीम है आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिवेंट्स ड्राइनेस एंड सूद स्किन विद
ऑर्गेनिक सिया बटर, कोका बटर एंड मिल्क प्रोटीन और 50 ग्राम की ये ट्यूब है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसे निकाला हुआ है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कोई भी केमिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे पैराबीन वगैरह हुआ, कोई भी ऐसा केमिकल प्रेजेंट नहीं है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, हाइपोएलर्जेनिक और माइल्ड एंड जेंटल है। तो सब कुछ आपको इस ट्यूब पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी क्रीम की, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स की इसकी जो थिकनेस है वो जॉनसन बेबी और मामाअर्थ दोनों से ही ज्यादा थिक है और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हो कि बात करें इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है फ्रेंड्स वो जैसे कोकोनट का फ्रेग्रेंस होता है बस वैसे ही फ्रेग्रेंस है इसका, क्योंकि कोकोनट बेस्ड क्रीम है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन हो गया है और बिल्कुल ग्लोविंग फेयर सा स्किन हो गया इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद। तो हमारी नेक्स्ट क्रीम है हिमालया बेबी क्रीम, एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड जेंटल, फ्री फ्रॉम पैराबीन्स, मिनरल ऑयल, सिंथेटिक कलर, सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप बच्चे को ऑलिव ऑयल की क्रीम यूज करना चाहते हो, जैतून के तेल की क्रीम यूज करना चाहते हो, तो आप हिमालया की क्रीम को यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें जैतून का तेल ही दिया हुआ है कि बेबी की चीक्स एरिया, नोज एरिया बहुत ड्राई रहती है, रेड रहती है, तो आप इस क्रीम को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं घुटनों के बल, तो उनके जो घुटने की जो एरिया होती है वो डार्क हो जाती है, फट जाती है, ड्राई हो जाती है, तो आप वहां पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, एल्बो पर भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों के, क्योंकि इस क्रीम में ऑलिव ऑयल के साथ साथ बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं। तो इस क्रीम को मैं अपने बेबी के साथ साथ खुद पर भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसे अप्लाई करने के बाद जो मेरे पिंपल्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। तो चलिए इसकी प्राइस वगैरह के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो क्रीम है ये 50 ml की है, इससे बड़े भी आपको मिल जाएंगे ट्यूब और ये 75 rupees इसकी प्राइस है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 years है। सो फ्रेंड ये क्रीम मल्टीपर्पज होता है, इसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी यूज कर सकते हैं। कि इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें काफी सारी जड़ी बूटियां दी हुई है जो बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इस वजह से इस क्रीम को आयुर्वेदिक क्रीम भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से प्रोडक्ट को ले लिया है और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसकी जो थिकनेस है वो किस तरह की है, ये भी वैसे ही है जैसे कि मैंने अभी आपको जो नेचुरल बेबी क्रीम है वो मैंने बताया आपको मॉम्सको का, ठीक वैसा ही इसका भी कंसिस्टेंसी है। आयुर्वेदिक क्रीम है इस वजह से इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी ज्यादा सूदिंग और रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। ये जो क्रीम है ये क्विकली आपके स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत सूदिंग सा सॉफ्ट सा स्किन हो जाता है, जैसे लगता है कि हमने बटर को अप्लाई किया उस तरह की हमारी स्किन हो जाती है। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्रीम के बारे में, तो ये है बेबी सिबामेट प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम फॉर डेलिकेट फेशियल स्किन विद पैंथिनॉल। तो आप इस क्रीम को बेबी के फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये फेशियल क्रीम है। ये बॉटल 100 ml की है बट इसे छोटी भी बॉटल्स आती है, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये 50 ml की बॉटल है, ये इससे हाफ है और ये जो है ये 100 ml की बॉटल है। बट प्राइस की अगर बात की जाए तो ये है 850 की पड़ेगी बट ये 1000 के करीब में मुझे मिल गया था। तो ये जो क्रीम है फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट 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 क्रीम है फॉर बेबी, क्योंकि इस क्रीम को जब कान्हा 3 month का था, 3 month का था, तब से मैं यूज कर रही हूँ और अब तक मैं इस क्रीम का यूज करती आ रही हूँ। बीच बीच में मैं क्रीम को चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू करना होता है आपके साथ इस वजह से। तो इस क्रीम का जो pH है वो आप देख सकते हो कि 5.5 है, ये क्लिनिकली टेस्टेड भी है और साथ ही आप देख सकते हो कि इस क्रीम में मॉइस्चराइजिंग कम्प्लेक्स विद एलेंटॉइन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ड्राइनेस, केयर फार्मूला विद पैंथिनॉल सूद इरिटेशन और द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो आप न्यूबॉर्न बेबी पर इस क्रीम को आराम से अप्लाई कर सकते हो और 3 साल तक के बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो बॉटल है ये पंप के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है बट इसकी जो प्राइस है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसकी जो पैकेजिंग है उसमें एक्स्ट्रा लीड भी दिया हुआ है, ये पहला लीड हुआ, ये दूसरा लीड हुआ। तो इस क्रीम को आप एज ए पंप के फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आप थोड़ा सा ही लेंगे, बिल्कुल हाइजेनिक क्रीम है क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको फिंगर की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है इसे निकालने में। और आप देख सकते हो कि ये जो क्रीम है ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है और इजी टू ब्लेंड है, आराम से आप ब्लेंड कर सकते हो और ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, बिल्कुल चिपचिप वगैरह कुछ भी फील आपको नहीं होगा क्योंकि इस क्रीम को मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ अपने बेबी पर। बहुत ही ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव क्रीम है, इसका कम्प्लीट रिव्यू आपको मेरे चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा और मैं आई बटन वगैरह में भी डाल दूंगी, आप देख सकते हो। इसके भी मुझे ब्लेंड करते हुए कुछ सेकंड भी नहीं हुए कि ये क्रीम जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीम है। कि फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो कोई भी हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल हल्का सा फ्रेग्रेंस है इसमें, कोई भी इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस आपको इसका नहीं मिलेगा। तो ये क्रीम जो है आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ब्राइट सा स्किन हो जाता है इसको अप्लाई करने के बाद।
तो आपकी फेवरेट बेबी क्रीम कौन सी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो, साथ ही आने वाली नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ्यूचर में आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।